अमित और प्रीति की शादी को 1 साल हो गया था। अमित पढ़ा लिखा स्मार्ट और मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। प्रीति सीधी सादी समझदार कम पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन घर के कामों में एकदम परफेक्ट थी। घर की पूरी जिम्मेदारी प्रीति ही संभालती थी। अमित हमेशा प्रीति से उखड़ा उखड़ा रहता था क्योंकि वो उसके जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी। सुनिए जी, आपके नहाने के लिए पानी निकाल दिया है, आप नहा लीजिए। और आपके कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं, जिन्हें आप ऑफिस पहन कर जाएंगे। मुझे कब क्या करना है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? अमित प्रीति को डांट कर नहाने चला जाता है और कुछ देर बाद ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है। और जैसे ही प्रीति उसके लिए नाश्ता लगाती है, ये क्या आलू के पराठे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बटर एग्स चाहिए, ये जाहिलों वाला अनहेल्दी नाश्ता तुम ही करो। जी वो ब्रेड और बटर और अंडे खत्म हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में आलू के पराठे सेक दिए। आज अब यही खा लीजिए ना, कल से आपके लिए वही बना दूंगी। खत्म हो गए थे तो बाजार से ले आती, सारा दिन घर में करती ही क्या हो, इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि घर में क्या खत्म हो गया है क्या नहीं। तुम किसी काम की नहीं हो, थोड़ी स्मार्ट बनो स्मार्ट, नहीं तो तुम मेरे साथ ज्यादा दिन रह नहीं पाओगी, समझी? जी जी, वो कल घर की साफ सफाई करते समय ना मेरा पैर फिसल गया था, तो कमर में थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन आज मैं आपके लिए सारा सामान ले आऊंगी। बस बस, बहाने बनाना बंद करो और ये आलू के पराठे तुम ही खा लेना, मैं ऑफिस में खा लूंगा कुछ। अमित गुस्से में प्रीति को भली बुरी सुनाकर ऑफिस चला जाता है और प्रीति वहीं बैठी बैठी रोती रहती है। शाम को जब अमित ऑफिस से वापस आता है, आप आ गए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद बैगन का भरता बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाकर आया हूँ, तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मुझे अपने मुंह का स्वाद खराब नहीं करना, समझी? अमित अपने कमरे में सोने चला जाता है और प्रीति उदास मन से सब कुछ समेटने में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद आज प्रीति बहुत खुश है, क्योंकि आज प्रीति के सास ससुर आ रहे हैं, जो प्रीति को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अमित उन्हें स्टेशन से लेकर आता है। अरे कैसी हो प्रीति बिटिया, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी। बिटिया कुछ उदास सी लग रही हो, अमित तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना यहाँ, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी पापा जी, अमित तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ तो खूब मजे में हूँ, और अब आप लोग आ गए हैं ना तो मजा दुगना हो जाएगा। अमित सामान लेकर आता है और गुस्से से प्रीति से कहता है, मेरे मम्मी पापा को अभी तक यहीं खड़ा रखा है, कोई चाय नाश्ता भी नहीं करवाया अभी तक, कुछ खाना पीना बना नहीं है क्या कुछ? ऐसी बात नहीं है जी, आज तो मैंने सब कुछ मम्मी जी और पापा जी की पसंद का बनाया है, मम्मी जी की पसंद के आलू के परांठे और पापा जी की पसंद की खीर पूरी। बस बस ज्यादा बातें मत बनाओ, अब जाओ और मम्मी पापा के लिए नाश्ता लेकर आओ। आइए मम्मी पापा, सफर में थक गए होंगे ना आप। प्रीति सास ससुर के लिए चाय नाश्ता लाती है। मम्मी जी पापा जी ये लीजिए चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने हैं। तभी प्रीति के ससुर प्रीति से कहते हैं, भाई वाह, समोसे की महक से तो मन प्रसन्न हो गया, आह सच में बिटिया गांव में हम तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत याद करते हैं। तभी वहां अमित आता है और कहता है, मम्मी पापा आप लोग आराम से चाय नाश्ता कीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा तू आराम से ऑफिस जा और अपना काम संभाल,
हम लोग तो आराम से प्रीति बिटिया के साथ समय बिताएंगे। सास ससुर के साथ प्रीति के दिन बहुत अच्छे कट रहे थे, लेकिन अमित के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। वो किसी न किसी बात पर प्रीति को जली कुटी सुनाता रहता था। सास ससुर से अमित का ये व्यवहार छिपाना था। एक दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी अमित कहता है, ये कैसी बढ़िया सब्जी बनाई है, इतना तेज नमक, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो तुम। तभी अमित की माँ अमित से कहती है, अरे बेटा, आज सब्जी प्रीति बिटिया ने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। प्रीति की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने खाना बना दिया। क्या माँ, आप काम कर रही थी और ये महारानी आराम कर रही थी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। प्रीति बिटिया तो दिन रात हमारी सेवा करती रहती है, बेचारी बहुत थक जाती है, सारा सारा दिन काम करती रहती है लेकिन उफ तक नहीं करती। जी वो आज सुबह हल्का बुखार था, बाद में थोड़ा ज्यादा हो गया और कमजोरी भी महसूस हो रही थी। बस बस बहाने मत बनाओ, बचना है काम से बस। हाँ, काम चोर। अमित, जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम तुम्हारा बहू के प्रति बुरा बर्ताव देख रहे हैं। बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है लेकिन तुम्हें इसके किसी काम की कोई कदर ही नहीं है। अच्छा, तो इसने आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का भी दिया। बस बहुत हुआ। प्रीति बिटिया, अपना सामान पैक कर लो तुम, कल सुबह हमारे साथ गांव चल रही हो। जब तक इसे तुम्हारी कदर नहीं हो जाती, इसे अकेले रहने दो यहाँ पर और तुम हमारे साथ गांव में रहोगी। अगले दिन प्रीति अपने सास ससुर के साथ गांव चली जाती है और अमित अकेला रह जाता है। अब अमित को रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती है क्योंकि उसे घर का काम भी करना पड़ता है। रोज लेट होने के कारण उसे बॉस से बहुत डांट पड़ती है, जिसकी वजह से उसका कान भी खराब होता है। काश प्रीति यहाँ होती तो मेरा जीवन कितना सरल होता, ये सब कुछ वो कितने अच्छे से संभाल लेती थी वो। लेकिन मैंने भी अपने अहंकार में कभी उसकी अच्छाइयों को देखा ही नहीं। अमित अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए अगले दिन सुबह वही पहली गाड़ी से प्रीति को लेने निकल पड़ता है। प्रीति उसे देखकर बहुत खुश होती है और अमित के माता पिता भी उसके प्रायश्चित पर खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।